हेलो, वेलकम टू द TSN स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज हम एक बार फिर से लाइव आ गए हैं आप लोगों के सामने। हम लोग अब एक बार वापस से आपको ऑनलाइन क्लासेस के लिए आपको रिवीजन तैयार करवा रहे हैं फाइनल एग्जाम्स के लिए। ओके, तो स्टूडेंट्स एक बार आप इन वीडियोज़ को वापस से देखिएगा कि आपके कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं, उनको हम एक बार रिपीट करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट चैप्टर 13। आप भी क्लीन, यानी हमें कैसे साफ सुथरा रहना चाहिए उसके बारे में हम लोग एक बार करते हैं। हम लोग सुबह मॉर्निंग में उठते हैं, हम लोग क्या देखते हैं, सुबह गुड मॉर्निंग करते हैं अपने पेरेंट्स को, अपने दादा दादी को हम लोग पैर छूते हैं, है ना। इस तरह से हम लोग सुबह की शुरुआत करते हैं और फिर आप अपना अपना रेज्यूम आउट अपना यानी रेजिंग करते हैं, अपना फेस वॉश वगैरह करते हैं और ब्रशेज वगैरह करते हैं। उसके बाद आपकी मदर आपको नाश्ता वगैरह, पानी वगैरह जो भी आपको पीना है, मिल्क वगैरह पीते हो आप। उसके बाद आप लोग स्कूल के लिए तैयारी करते हो, फिर नहाने वगैरह जाते हो, है ना। तो इस तरह से आपका रूटीन का वर्क हो गया। आप अपने पेरेंट्स को भी देखते होंगे कि वो लोग भी कैसे सुबह मॉर्निंग में उठ के क्या क्या करते हैं, तो उनको आप फॉलो करते हो ना, उनको वो आपको सिखाते हैं कि बेटा ऐसा करना है वैसा करना है। तो आपको भी उन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि हमें सुबह मॉर्निंग में उठते ही पहले क्या करना चाहिए। ओके, लेट्स स्टार्ट चैप्टर, हम एक बार रीड करते हैं। अब आप देखिए, वी शुड ऑल द ऑलवेज कीप आवर सेल्फ नीट एंड क्लीन। हम लोग हमेशा साफ सुथरा रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम साफ सुथरा नहीं रहेंगे तो क्या होगा, हमें डिजीज हो सकती है, बीमारियाँ हो सकती हैं। तो कभी भी हमें बिना नहाए धोए नहीं रहना चाहिए। सुबह उठते पहले हम लोग को फ्रेश होना चाहिए और ये अपनी आदत हैबिट में डाल लेना चाहिए। ओके, फॉलो द रूल्स ऑफ द क्लीन द हेल्दी। एक बात, एवरी डे हमें नहाना चाहिए। अब चाहे सर्दियाँ हैं तो आप जैसे अपने कपड़े चेंज करिए, आप यानी एक तरह से डायरेक्टली हम कहते हैं कि मतलब आप गर्म पानी से, वार्म पानी से अपने हाथ पैर वगैरह सबको धो धा करके कपड़े चेंज करिए। तो वो अगर आप डेली नहीं नहाना चाहते तो आप इस तरह से अपने आप को चेंज कर सकते हैं। विद अ फ्रेश वाटर यूज़ द सोप एंड इनफ द वाटर ऑफ बाथिंग। और जब भी हम नहाते हैं तो हमें कभी बिना सॉप के नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि हमारे जो शरीर पे हमारी जो गंदगी लगी रहती है, मिट्टी, धूल मिट्टी वगैरह लगी रहती है, हमारे डेड सेल्स वगैरह हैं वो लगे रहते हैं। तो हमें विदाउट सॉप के नहीं नहाना चाहिए। सॉप से नहाने बाद हमें ऑयलिंग करना चाहिए पूरे अपने जो अपना शरीर है उसमें हमें पूरा। अभी जैसे सर्दी का टाइम है, मैं कई बच्चों को देखती हूँ कि क्या होता है कि वो लोग नहा तो लेते हैं बट उनका फेस एकदम वाइट होता है, उनका हाथ पैर बिल्कुल वाइट होते हैं। आपने कभी देखा होगा कि हम लोग जब डार्क कपड़े पहनते हैं तो क्या होता है, आपकी जो डेड सेल्स हैं यानी जो आपकी स्किन है वो उस पर पूरे कपड़े पे चिपकी रहती है। तो यानी आपको कैसा लगता है, गंदा लगता है, मम्मी इसमें धूल चिपकी हुई है, आप कभी भी उसको ऑब्जर्व करिएगा। तो इसी वजह से आप लोग कभी जब नहाते हैं तो नहाते ही तुरंत बाद आपने अपने जो शरीर को ऑयलिंग करिएगा, यानी क्रीम वगैरह लगाइए आप, तो उससे आपकी डेड स्किन नहीं निकलेगी और आपके कपड़ों पर भी नहीं चिपकेगी, प्लस आपकी स्किन शाइनी हो जाएगी। क्योंकि सर्दियों के टाइम पर हमारे को क्या मॉइस्चर की ज़रूरत होती है, तो सर्दियों के टाइम पे हमारे शरीर का जो पानी है, जो पसीना, वो सूख जाता है और हमें हमारी जो स्किन है श्रिंक हो जाती है, उससे हमारी डेड स्किन निकलने लग जाती है। तो इसलिए स्टूडेंट्स, आप अपने नहाने के बाद या रात को सोते टाइम पे अपने शरीर पे जरूर से ग्रीस करिएगा, अपने ऑयल लगाइएगा अपने हाथ पैरों पर। ओके, तो सॉप द इनफ द वाटर एंड बाथिंग। इसलिए हमें सॉप से नहाते हैं, हम सॉप से नहाते हैं बट हम क्रीम वगैरह नहीं लगाएंगे तो हमारी इसके डेड स्किन निकलने लग जाएगी। आर ड्राई योर सेल्फ द क्लीन टॉवल एंड वेयर द क्रीम रोल। तो उसके बाद हमें अपने आप को ड्राई कर लेना चाहिए, उसके बाद हमें ऑयलिंग वगैरह लगाना चाहिए अपने शरीर पर। एंड सुबह उठते हम क्या करते हैं, ब्रश करते हैं और रात को सोने से पहले भी हम लोग ब्रश करते हैं, ताकि आपने जो भी सुबह पूरा दिन भर में खाया है वो आपका क्लीन हो सके। आपको मॉर्निंग एंड द सेकेंड टाइम नाइट। ओके, तो वॉश योर हैंड्स बिफोर द, अब आपने देखा होगा अभी कोरोना टाइम में हम लोग हमेशा सैनिटाइज करते रहते अपने हैंड को। क्यों करते हैं, ताकि हमारे हाथों पे जम्स ना लगे, हम जो कुछ भी खा रहे हैं हमारा हाथ साफ रहे। तो यानी हम सैनिटाइज करें या फिर हम लोग सॉप से अपने हैंड्स को साफ करें। बिफोर द मील एंड ऑल्सो वॉश द हैंड्स आफ्टर कमिंग फ्रॉम द टॉयलेट। और जब भी हम लोग मैं आपको कितनी बार समझाती हूँ कि आप टॉयलेट वगैरह जाती हो तो आप अपने हैंड वॉश साबुन से करिएगा, हाथ धोकर के आइएगा। क्योंकि आप जब उस वॉशरूम में जा रहे हो तो आप उसको हैंडल को पकड़ते हो, नल को यूज़ करते हो, तो आपके हाथों में जर्म्स लग जाते हैं, तो इसलिए उसको वॉश करना जरूरी है। ठीक है, वॉश करके आप सैनिटाइज करिए आप अपने हाथों को, तो वो क्लीनअप हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिएगा, आप एक बार पिक्चर देखिएगा, अभी क्लीन भी हेल्दी, हमें अगर साफ सुथरा रहेंगे तो हमेशा हेल्दी रहेंगे। ओके, ये देखिएगा पिक्चर आप, कि हम लोग कैसे हेल्दी रह सकते हैं, साफ सुथरा करके अपने आप को साफ रख करके हम लोग हेल्दी रह सकते हैं। ठीक है, और अपने जितने भी हमारे कीप सराउंडिंग द प्योर एंड क्लीन द हाइजीनिक विल बी कीप योर हेल्दी एंड फिजिकली एंड मेंटली।
अगर हम अपना साफ सुथरा रखेंगे, अपने आप को हमारे आसपास का सराउंडिंग एरिया उसको साफ रखेंगे, तो हम भी हेल्दी रहेंगे और हम फिजिकली भी हेल्दी रहेंगे और मेंटली भी हेल्दी रहेंगे। ओके चलिए आगे देखिएगा आप। एंड वॉश योर आईज टू क्लीन वाटर। और हमें क्या करना चाहिए कि अपने जो आँखें वगैरह हैं बिल्कुल साफ पानी से, कभी भी गंदे पानी से आँखों को नहीं धोना चाहिए। तो जितना हो सकता है कि अपने क्लीन वाटर से धोइए, रोज वाटर आता है उससे अपने आँखों को साफ करिए, तो आपको आँखों में भी ठंडक मिलेगी। क्लीन योर नोज एंड यूज अ क्लीन हैंडकरचीफ। और अपना हमेशा अपने याद रखिएगा कि आप अपने जेब में पॉकेट में हैंडकरचीफ रखना ना भूलिए। जब भी आपको पता है अभी कोल्ड टाइम चल रहा है, कोल्ड टाइम पर क्या होता है कि आपको नोजी आती है, आपको छींकें आती हैं, तो आपके पास अगर हैंडकरचीफ होगा तो आपको शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा किसी के सामने। तो यानी आप अपनी मदर्स को कहिए, अपने पेरेंट्स को कहिए कि आप हमेशा हमारे पॉकेट के अंदर एक अगर हैंडकरचीफ चाहिए तो कोई भी आप एक कपड़े का, कॉटन कपड़े का पीस रखिएगा, ताकि आपको कभी भी कुछ भी अगर नोजी आती है तो आप उसे साफ कर सकते हो। ईयर मस्ट बी क्लीन एंड सॉफ्ट कॉटन। मैंने कई बच्चों को देखा कि नहाने के बाद अपने ईयर साफ नहीं करते, तो यानी अगर आप उसको ईयर से साफ नहीं करोगे तो आपको बार बार खुजली होगी, कानों में गंदगी बाहर निकलने लगेगी। तो इसलिए आपको एक संडे के संडे आप हमेशा अपने कॉटन बट से अपने ईयर साफ करिए। आप भी कर सकते हो, अपने पेरेंट्स से करवाइए, बट उससे क्या होगा आपको सुनाई भी साफ देगा, अदरवाइज आपके जो जम्स वगैरह उसके अंदर पनपने लगेंगे और जो थोड़े से भी जम्स या मच्छर वगैरह है वो भी वहाँ पे अटैक कर सकते हैं। नेवर स्प्रेड द वाटर इन योर ईयर्स। और कभी भी उसको पानी की फुहारे से उसको कानों को साफ नहीं करना चाहिए, अदरवाइज पानी कान में चला जाएगा तो आपको क्या होगा, आपको सुनना बंद हो जाएगा। इसलिए हमें हमेशा क्लीन टॉवल से उससे साफ करना चाहिए, जो वेट टॉवल होते हैं उनसे साफ करना चाहिए, या कोई क्लोथ हो उससे साफ करिएगा आप लोग। इसी तरह से आगे देखिए, ईयर्स मस्ट बी क्लीन विद द सॉफ्ट कॉटन पैड्स। इसलिए हमेशा हमें कानों को कोई गीले कपड़े से उसके बाद सॉफ्ट कॉटन से साफ करना चाहिए। क्लीनेस ऑल अराउंड अस। अब आप आगे देखिएगा इसमें क्या है, क्लीनेस ऑल हमारे जो चारों तरफ जो सराउंडिंग एरिया है उसको भी हमें साफ रखना चाहिए। वी शुड मेंटेन द क्लीनेस ऑल अराउंड अस, यानी हमें अपने आसपास जहाँ भी हम सोते हैं या बिस्तर वगैरह हमारा है, हमेशा चद्दर को आप बेडशीट है जो उसको साफ करके सोइए, अपना उसको झाड़ के आइए, या फिर आप वीकली उसको मम्मी को बोलिएगा अपना चेंज करवाइए। ओके इन द स्कूल, इस तरह से हम लोग अपने स्कूल को कैसे मेंटेन कर पाएंगे कि वी शुड राइट नॉट अ वॉल। हमें कभी भी अपने जो वॉल्स वगैरह हैं उस पर नहीं लिखना चाहिए, उससे हमारे कमरा गंदा लगने लगेगा और हमारी वॉल्स गंदी हो जाएंगी। नॉट राइट द वॉल्स, वी शुड थ्रो द वेस्ट इन द डस्टबिन। हम कभी भी, मैंने आपको अभी भी, मैं कई बार क्लास में आपको समझाती हूँ कि आप लोग अपना जो खाना खाते हैं, आप अपना रैपर है या आपने कुछ भी चिप्स वगैरह कुछ भी खाया है उसके रैपर्स वगैरह हैं, या तो आप उसको घर पे लेके जाइए अपने टिफिन के अंदर डाल के, या फिर आपके पास में इतने सारे डस्टबिन रखे रहते हैं कि आप उसमें डालिएगा, वरना उससे क्या होगा आप लोग अपना खाना खाते हैं और रैपर को नीचे फेंक देते हैं। और आप ये नहीं देखते कि हमारे से जो बड़े भैया हैं जो आपके लिए सारे सुबह से लेकर शाम तक काम करते रहते हैं, तो वो बेचारे एक एक आपके रैपर को उठाता है, तो ये गलत बात है ना। आप क्या, आप छोटे बच्चे हो, आराम से आप ये काम कर सकते हो, आपके वो जो आप खाना खा लेते हो उसके बाद वो भैया आपके रैपर से उठाते रहते हैं, तो आप पहले से इसको अपने ग्राउंड को, अपने जो गार्डन है उसको गंदा करने से पहले आप रोक सकते हो उसको, है ना। तो वो रैपर है, आप उसको अपने टिफिन में डाल के ले जाइए, अपने घर पे डस्टबिन में डालिए, या फिर आप खुद अपना जो आपके सामने डस्टबिन रखे हुए रहते हैं उनसे उठ करके आप उस पर डालिएगा, तो आपका आसपास जो एरिया है वो उससे साफ रहेगा। ओके वी शुड थ्रो द ऑल द वेस्ट एंड डस्टबिन। वी शुड नॉट थ्रो द पेपर्स हियर एंड देयर। अब मैंने कई बच्चों को देखा है कि क्लास में बैठे बैठे अपने अच्छी अच्छी कॉपियाँ, न्यू कॉपीज से पेपर फाड़ते हैं और कुछ ना कुछ उसे बनाते रहते हैं। चलो कोई बात नहीं, आप कुछ करते हैं बनाते हैं अच्छी बात है, बट आपको न्यू कॉपीज से पेपर नहीं फाड़ना चाहिए कभी भी। और पेपर फाड़ते हैं तो उसको यूज़ में लीजिए, आप ऐसे नीचे फेंकने के लिए मत यूज़ में लीजिए। और प्लेन पेपर को तो हरगिज़ नहीं, क्योंकि आपने देखा होगा कि हम लोग पेपर्स कहाँ से बनते हैं, पेड़ों की छालों से बनता है ना पेपर, कैसे बनता है। तो यानी आप इसको इतना वेस्ट कर रहे हो पेपर को, आपका जो रफ कॉपी है आप उसको यूज़ करिएगा, आप उससे बनाना सीखिएगा, आपको कुछ क्रिएटिव आइटम बनाना है उससे बनाइएगा आप लोग, बट एक बार क्लीन कॉपी से एकदम जो प्लेन कॉपी है उसको यूज़ में ना लीजिए। और अदरवाइज क्या होगा, आपका पेरेंट्स का पैसा भी वेस्ट जा रहा है, प्लस हमें जो दिन पर दिन हमारी कॉपियों का खर्चा होता है वो आपको देना पड़ेगा। ओके तो इस तरह से हम लोग अपनी न्यू कॉपीज़ को बचा के रखना चाहिए, हमेशा रफ कॉपी को यूज़ करिएगा, उसके जितने भी पेपर्स वगैरह आप कुछ बनाना चाहते हैं, क्रिएटिव करना चाहते हैं बनाइए उसको, बट उसको आप ऐसा वेस्ट मत करिए, नीचे मत बिखेरिए। ओके तो नॉट अ थ्रो द पेपर हेयर दे, अपने आसपास का एरिया को साफ रखिएगा। ओके स्टूडेंट, एट द होम हम लोग क्या करते हैं, घरों घरों में भी हम लोग देखते हैं कई बार कि खाया और पेपर फेंक दिया,
कुछ भी आप रैपर वगैरह कुछ खा रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं तो उसका रैपर फेंक देते हैं ऐसे नीचे, तो क्या होगा, आपके मदर को तो उठाना पड़ेगा ना। तो आप उससे पहले ही आपकी मदर को इतना वर्क करने के बजाय आप अगर अपना पहले से आगे होकर उसको डस्टबिन में डाल देंगे तो आपको पेरेंट्स को इतना वर्क नहीं करना पड़ेगा। ओके, वी शुड कीप आवर थिंग्स इन द ऑन द प्रॉपर प्लेस। और फिर क्या देखती हूँ मैं कि कई बच्चों की हैबिट होती है कि अपने जो स्कूल से घर जाते हैं वो ऐसा वो करते हैं, हुक्म जमाते हैं जैसे हम लोग बहुत बड़ा काम करके आए स्कूल जा करके आए, जबकि आपको होना चाहिए स्कूल हम जा करके घर पे जाते हैं जब उसको अपने जो बैग्स हैं शूज हैं उनको प्रॉपर प्लेस पे रखना चाहिए ताकि आपके पेरेंट्स डेली के डेली आपको डांटे, आपको मतलब हैबिट ही होती है कि मम्मी डांटेगी तभी उठाएंगे, तो आप उससे पहले ही इस चीज़ को काम करिएगा ताकि आपकी मम्मी आपकी तारीफ कर पाए। तो इसलिए जब भी हम कभी जाते हैं, आप सपोज करिए घर पर आपके कोई बैठा है, आप स्ट्रेस से अपनी चीज़ों को बिखेर देते हैं, तो आपके जो घर पे जो मेहमान बैठे हैं उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा कि देखो ये बच्चा कितना कौन से स्कूल में पढ़ता है और कितना गंदा है कि मतलब अपनी चीज़ों को ऐसे फेंक दिया स्कूल से आया। तो ये गलत बात है, आप लोगों को अपनी चीज़ों को प्रॉपर वे से रखना चाहिए, प्रॉपर थिंग्स जो है प्रॉपर प्लेस पर रखना चाहिए। वी शुड डस्ट द फर्नीचर रेगुलरली। और जब भी आप अपने घर पर बैठते हैं कहीं भी, तो अपना फर्नीचर वगैरह है उसको आप क्लोथ से साफ करिएगा फर्नीचर रेगुलरली। वी शुड क्लीन द फ्लोर रेगुलरली। और अपना जो फ्लोर है उसको भी हमें रेगुलर साफ करते रहना चाहिए, क्योंकि हम लोग घर पे देखते हुए बच्चों को स्लीपर्स वगैरह नहीं पहनते तो वो क्या करते हैं नंगे पैर चलते हैं और उसके बाद सीधा बिस्तर में सो जाते हैं, तो ये गलत बात है ना। तो इसलिए अपने जो घर में या तो कारपेट वगैरह बिछा के रखें या फिर अपने जो मेड है या मम्मी है तो उनसे बोलिए आप अपने फर्श को साफ रखिए ताकि आप उसी पैर से आप बिस्तर में चढ़ते हो तो आपका बिस्तर गंदा हो जाता है। ओके, रेस्टोरेंट देखिए, वी शुड ऑलवेज कीप आवर सेल्फ नीट एंड क्लीन। हमें हमेशा साफ सुथरा रहना चाहिए, अपने आप को बिल्कुल क्लीन अप रखना चाहिए। वी शुड मेंटेन द क्लीननेस ऑल अराउंड। और हमारा जो सराउंडिंग एरिया है, हमारा आसपास का एरिया है, उसको भी हमें साफ सुथरा रखना चाहिए। इस वजह से हम लोग अपने जो हेल्थ है मेंटली हम लोग फिट रहेंगे, फिजिकली फिट रहेंगे। अगर हमारा सराउंडिंग एरिया अच्छा रहेगा तो हम लोग हमेशा खुश रहेंगे। तो फ्रेंड्स, एक बार इसको आप पढ़िएगा, रीडिंग करिएगा, इसके हार्ड वर्ड्स हैं उसको लिखिएगा आप लोग, मैं आपको पीडीएफ में इसके हार्ड वर्ड्स दूंगी, आप उसको करिएगा। ओके, थैंक यू।